बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं माई स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट हसन। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिस डिवाइस के बारे में जिक्र करने वाला हूं, जी हां, वो विंड टरबाइन डिवाइस है। लो स्पीड विंड टरबाइन कंट्रोलर है। ये जो है बहुत क्लास की चीज़ है। अगर आप कोई टरबाइन वगैरह लगाते हैं, कोई रोटेशन का ऊपर लगाते हैं सिस्टम, तो ये उसमें आपको बैटरी चार्जिंग में बड़ी अच्छी मदद दे सकता है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी वेटेड है, अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसके चार्जिंग मोड है, MPPT कंट्रोलर है ये, और 12-24 वोल्ट लो विंड टरबाइन स्पीड कंट्रोलर। जो चिप्सम वगैरह भरी हुई है और एक काफ़ी हैवी सा एक सर्किट है, काफ़ी हैवी सा सर्किट है जिसके अंदर चार्जिंग डायोड्स, बूस्ट डायोड्स वगैरह तमाम चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। ट्रांसिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, कैपेसिटर कॉइल वगैरह लगी हुई, चार्जिंग कंट्रोलर भी लगा हुआ है जो बैटरी को चार्ज करने में मदद देता है, और चार्जिंग डायोड्स भी लगी हुई हैं जो चार्ज करने में बैटरी को मदद देती है, और बूस्ट भी लगा हुआ है, स्टेप अप बूस्ट भी लगा हुआ है, यानी लो वोल्टेज को कंट्रोल करके आपको हाई वोल्टेज में वो प्रोवाइड करता है। तो ये एज ए यूज़ होता है विंड टरबाइन में, लेकिन हम इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे और देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस क्या मिलती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ सिंबल्स नोट कर लें। ये देखें, यहाँ पर जो है कुछ सिंबल्स हैं इसके, जो ब्लू वायर हैं इसके, तीन ब्लू वायर जो हैं वो AC का सिंबल शो कर रहे हैं और टर्बाइन के ऊपर सिंबल शो कर रहे हैं, और बराबर में जो है इसके प्लस माइनस बैटरी है, रेड प्लस और ब्लैक माइनस। यहाँ पे अगर बैटरी के आप टर्मिनल लगाएंगे जो रेड वाले पॉइंट हैं, तो ये चार्जिंग शुरू कर देगा, और यहाँ 3-फेज मोटर आपने लगानी होगी, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर 2 LEDs भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं 2 LED दी हुई, एक ग्रीन और एक रेड। तो यहाँ पर ये शो भी कर रहा है आपको, यहाँ पर शो भी कर रहा है, जो ग्रीन लाइट है वो चार्ज की लाइट है और अनलोड। अगर आप इस पर कोई लोड नहीं डालते हैं, तो अगर फालतू में आपका जैसे टर्बाइन घूम रहा है, तो वो रेड लाइट भी शो करता रहेगा, इसका सिंबल ये कहता है, ठीक है। अगर इस पर लोड डाल देंगे तो अब बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमेगा, अगर उस पर लोड पड़ेगा तो रेड लाइट हल्की हल्की ब्लिंक होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3-5 वायर हैं टोटल, ये आप जो है DC वोल्टेज के, ये AC 3-फेज की मोटर इसमें लगानी पड़ती है, ठीक है, 3 ब्लू वायर हैं। तो जो है ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर काफ़ी जो है वोल्ट बूस्ट होके हमें मिलते हैं, ताकि बैटरी को चार्जिंग में ये मदद दे सकें। इस पे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक सीलिंग फैन से एक टर्बाइन छोटा सा बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें, मैग्नेट वगैरह लगा के उसको बनाया है, उस पे हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे उस पे कि कितने वोल्टेज ये हमें कितनी रोटेशन पे देता है, यानी हल्के भी अगर हम इसको घुमाते हैं तो कितने हमें वोल्टेज इससे जनरेट होते हैं। काफ़ी वेटेड है, और इसकी कॉस्ट जो है इस वक्त ऑनलाइन जो है मार्केट में इसकी कॉस्ट है 4,000-5,000 का ये आपको मिलता है चार्ज कंट्रोलर, और इससे आप जो है किसी भी 500 वाट, 1,000 वाट, 1,500 वाट का टर्बाइन भी आप इसके ऊपर लगा के अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक जैसे कि सब्सक्राइब नहीं करवाया, आप लोग नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।